नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज बड़ी नरेश ठाकुर के साथ। आज हम बात करें हिमाचल प्रदेश पैट और लिट के एडमिट कार्ड कब जारी होंगे और अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आपकी 1% भी हेल्प हो रही है हमारे यूट्यूब चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की तरफ से HP पैट और HP लीड के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं। पूरे प्रदेश भर में HP पैट के लिए 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जबकि लीड के लिए 14 केंद्रों का गठन किया गया है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से HP पैट 21 मई को और HP लीड का टेस्ट 28 मई को करवाया जा रहा है। परीक्षा केंद्र में एंट्री के लिए आपके पास एडमिट कार्ड होना अनिवार्य है। पैट के अभ्यर्थी 11 मई से वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं जबकि लीड के अभ्यर्थियों को 18 मई पर HP टेक बोर्ड की वेबसाइट पर उनका एडमिट कार्ड उपलब्ध मिल जाएगा। तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव RK शर्मा ने बताया है कि संबंधित अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ उन्होंने कहा है कि किसी भी अभ्यर्थी को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आए तो वह HP बोर्ड की कार्यालय के दूरभाष नंबर 01892225755 पर किसी भी कार्य दिवस के दौरान संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि HP पैट के लिए प्रदेश के सरकारी और निजी बहुतकनिकी संस्थानों में 3200 सीटें भरी जानी है। उनके पास लगभग 5171 आवेदन आ चुके हैं और वही द्वितीय वर्ष लीड के लिए 978 सीटों के लिए 2665 आवेदन बोर्ड में पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया है पैट के 212 और लीड के 136 अभ्यर्थियों के आवेदनों को समय पर फीस जमा ना करवाने के कारण रद्द भी कर दिया गया है। तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपनी परीक्षा को अच्छे से दें और कोई भी प्रॉब्लम आपको पास आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।